सदर अस्पताल में बुधवार को एक सीरियस मरीज को रेफर करने के बाद भी घंटों तक 108 सेवा का एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके बाद भाकपा माले नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बताया गया कि भंडारीडीह के रहने वाले मोहम्मद समीम अंसारी के 18 वर्ष से बेटे साकिर रज्जाक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, जहां से चिकित्सकों ने इसे धनवाद के PMCH अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस 108 को फोन करके बुलाया, लेकिन 2 घंटे तक लगातार फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आया, जिससे परेशान होकर परिजन रोने लगे। बाद में सिविल सर्जन को भी कई बार फोन किया गया, गिरिडीह उपायुक्त को भी फोन लगाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में भाकपा माले के नेता राजेश यादव एवं राजेश सिन्हा को सूचना मिलते ही ये सदर अस्पताल पहुंचे, अपने पैसे से प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन लोगों को धनवाद के PMCH इलाज के लिए भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने गिरिडीह के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री बुधवार को गिरिडीह में है, इसलिए अस्पताल में काफी साज सज्जा की गई है, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल में CM के आगमन को लेकर साफ सफाई और तामझाम करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से भी अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। मेरा मोहम्मद समीम मेरा नाम है, हम 2 घंटे से लिए खड़े हैं सदर अच्छा, अस्पताल में। कहाँ के रहने वाले आप? हम आजाद नगर भंडारी के रहने वाले अच्छा, हैं। क्या समस्या हो रही है आपको? हमारे साथ समस्या यही है कि हमें 108 की सुविधा से उचित नहीं मिल रहा, हमें 108 की सुविधा नहीं मिल रहा, हम ना कोई ध्यान दे रहा हमारे ऊपर, बोलिए हम गरीब आदमी किसको सुनावे जा करके। कितने देर पहले आप 108 को फोन किए थे? 1 घंटे से ऊपर हो चुका आपको। अच्छा, आप कितने बजे से यहाँ पे सदर अस्पताल में है? 12 बजे से लगभग होंगे हम। 12 बजे से? अच्छा, अभी तक आई नहीं है एम्बुलेंस? क्या हुआ है बच्चे को? शुगर बढ़ा हुआ है और हार्ट में भी इसका ट्रेबुल है। अच्छा। हार्ट का भी इसका धड़कन उड़कन उड़ता है इसका। कब पे डॉक्टर ठीक है, मगर वो 108 की सुविधा से हम जो वंचित रह गए। पेशेंट का नाम क्या हुआ? साकिर रजा। कितना एज है? 18 साल। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांगते हैं इसको जिंदगी बचा ले, बस मेरे बच्चे परेशान है, हम बहुत परेशान है, इधर बच्चे लिए बहुत परेशान है हम। अभी सदर हॉस्पिटल आए हैं, आज ही मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक साकिर रजा है जो 9 बजे से लेकर, अभी बज रहा है लगभग 12 बज रहा है, 9 बजे से लेकर 3 घंटे तक एम्बुलेंस का यहाँ पे जुगाड़ नहीं हो पाया था। सरकार से निवेदन है, निवेदन क्या बोल सकते हैं कि हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, एक एम्बुलेंस को सदर हॉस्पिटल में छोड़िए, क्योंकि जो सीरियस पेशेंट है 3 घंटा से, हम साकिर के बारे में हम दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए। अभी हम लोग प्राइवेट जल्दी जल्दी जुगाड़ करके भेजे हैं, यहाँ पे 108 का जो है वो फेल है। आप आते हैं सही बात है, आपको आना चाहिए हर एक जिला में, लेकिन इस बात के लिए भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के प्रशासन है, कि एक एम्बुलेंस सदर हॉस्पिटल में छोड़ दीजिए, ताकि जो मरने वाले हैं, जो जिसको रेफर किया जाए उसको पहुँचाया जा सके। ताम झाम और दिखावा पूरा दुनिया जानती है और पूरा जनता जानती है, ये गलत हो रहा है कि एक जो पेशेंट है वो 3 घंटा से इंतजार कर रहा है। और झारखंड राज्य में चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आए दिन सदर अस्पताल, जहां गरीबों का एकमात्र सहारा होता है, उस अस्पताल में इलाज से लेकर के एम्बुलेंस तमाम चीज़ों का बहुत ही संकट है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, संयोग से आज के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री गिरिडीह पधार रहे हैं, पूरे शहर में गहमागहमी का माहौल है। और इसी बीच में यहाँ देख रहे हैं कि सामने में एक पेशेंट यहाँ रेफर होने के बाद 2-2.5 घंटे से पड़ा हुआ है, कोई एम्बुलेंस यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ इनकी परेशानी को देख करके रुके हैं और किसी तरह से प्राइवेट का एम्बुलेंस इंतजाम करके हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ये पूरा एक सिस्टम को जिस तरह से पूरा लचर करके रख दिया गया है, ये सोचने की बात है। हम सूबे के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम एक मरता हुआ आदमी को चिकित्सा व्यवस्था कैसे मुकम्मल तरीके से उपलब्ध हो, इसके लिए जो भी कमी कमजोरी है उसको ठीक करने का काम करें, नहीं तो इतना ताम झाम ये सब कुछ का कोई मतलब नहीं है। हम मांग करते हैं कि लचर से ये जो चिकित्सा व्यवस्था है और एम्बुलेंस का जो सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है, इसको ठीक किया जाए ताकि गरीबों को राहत मिल सके।